अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद वाजिद ख़ान, मीडिया टाइम्स न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सच न्यूज़ एडिटर एंड चीफ़ मोहम्मद शरफुद्दीन, जो कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट चार मीनार से ठहरे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरफू भाई, आप जो डायरेक्ट सहाफ़त से सीधा पॉलिटिक्स ज्वाइन हुए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वाजिद साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप सहाफ़त से सीधा पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन हो गए। तो सीधी सी बात है, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, हम भी आपके बिरादरी के भाई हैं। खैर, हमने सियासत के कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखे जहां पे भोली भाली आवाम को सिर्फ धोखा मिल रहा है, जैसा कि सबसे बड़ा धोखा हिंदुस्तान की तारीख का, 15-20 लाख रुपए एक एक के अकाउंट में आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, लोग खर्चा भी कर लिए, मज़े में हैं आज। फिर उसके बाद 12% माइनॉरिटी रिजर्वेशन हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, एक झूठ। फिर दूसरी झूठ, डबल बेडरूम फ्लैट। और तीसरी झूठ, हर घर में एक शख्स को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं। और हमारे बड़ी गवर्नमेंट को तो बड़े बड़े बात, 15 लाख 20 लाख 2 करोड़ रोजगार। खैर, ऐसे तमाम चीज़ें हम देख देख कर, और उसके बाद हमारी भोली भाली आवाम को देखकर हमने सोचा कि भाई आखिर हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी सीधी पार्टी है जो वाकई में ही आवाम का भला करना चाह रही है और आवाम का भला कर रही है। जैसा कि आप भी वही फील्ड के, हम भी वही फील्ड के, साफ से ताल्लुक़ आपका भी हमारा भी, तो गौर व फिक्र करने के बाद आम आदमी पार्टी हमको नज़र आई। और हमारे जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, जिनके अच्छे कारनामे, जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं, और फ्यूचर में अरविंद केजरीवाल जैसा प्राइम मिनिस्टर हमको चाहिए, हमारे देश की भलाई के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए। ये सोचकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब भले ही हम जीते या ना जीते, कम से कम हम में जितनी ताकत है, हम एक अदना से इंसान है, कोई ताकतवर इंसान नहीं है, एक अदना सा इंसान कम से कम आम आदमी पार्टी का कुछ तो भला कर दे, ताकि कल के दिन हमारे फ्यूचर के जो लड़के हैं, जो आज मासूम हैं, कल बड़े होंगे, शायद उनको इस पार्टी से कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। ये हमारी सोच काम कर गई। आम आदमी पार्टी के जो स्कीमात है दिल्ली में, क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पे कैंडिडेट चार मीनार से आप जो ठहरे हैं, तो जीत के बाद क्या वो यहाँ पर भी अमल में आएंगे? इंशाल्लाह वाजी साहब, अगर आम आदमी पार्टी जीत के आएंगी तो वैसे ही सहूलतें मिलेंगे जिस तरह के दिल्ली में मिलते हैं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम तेलंगाना में। बशर्त है कि आवाम आम आदमी पार्टी को समझे और आम आदमी पार्टी का साथ दे, क्योंकि हमारे तेलंगाना के सियासतदान इतने दौलतमंद हैं, इतने दौलतमंद हैं, जिसकी मैं आपको मिसाल भी नहीं दे सकता। कोई 10 करोड़ का इलेक्शन लड़ रहा है, तो कोई 20 करोड़ का इलेक्शन लड़ रहा है, और मुझ जैसा गरीब, जो अपनी मेहनत, पसीने की जो मेहनत की कमाई थी थोड़ी बहुत, वो लगाकर इलेक्शन लड़ रहा है। मैं समझता हूँ दूसरे सियासतदान से कंपेयर करे तो उनके नौकर के पास शायद मुझसे ज़्यादा पैसा होगा। खैर, हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को देखते हुए आवाम हमारा साथ दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि ना उम्मीदी कुफ्र है, अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई में ताकत होती है और अच्छे काम में भी ताकत होती है। भले ही कोई भी कितना पैसा खर्च कर ले, आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई कोई आपको 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, कोई 10000 दे रहा है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। खैर, ये आपका खून चूसे सो कमाई है, ये इनकी मेहनत मशक्कत की कमाई नहीं है, ये गड़े खुद के पैसा नहीं कमाए, गरीब आवाम का खून चूसकर ये दौलत जमा करें, तो ये आवाम का हक बनता है उनके पैसे ले ले। लेकिन जो पार्टी वाकई में अच्छी है, जो आवाम का भला चाहती है, जो आवाम का भला कर रही है, उसको ही वोट दे, ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा बने, आपके आने वाली औलाद का मुस्तकबिल अच्छा बने, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप वोट करें। और इंशाल्लाह जो सहूलतें दिल्ली में दी है हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने, वही सहूलतें हम तेलंगाना में भी देंगे,
मोहल्ला क्लिनिक डालेंगे और मासूम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बुक्स भी फ्री देंगे, बैग्स भी फ्री देंगे। और जैसा कि तेलंगाना में हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ वहाँ के बच्चे ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ते, और वहाँ का रहन सहन किस, अपने स्कूल मैनेजमेंट, कितने काबिल टीचर्स वहाँ पे होते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हमने भी देखा है। यहाँ के लोग को एक फीलिंग्स हो गई है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में डालने से बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल डाले हैं हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर, जैसा कि फॉरेन में स्कूल होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप अमेरिका में जैसे स्कूल होते हैं, उसी तरह के स्कूल्स दिल्ली में हैं, जो वहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम रहे हैं, ले रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो यहाँ के बच्चे भी वैसे ही तालीम लेंगे। आपने ये चारमीनार कॉन्फ्रेंस ये क्यों सेलेक्ट किया, और भी थे बहादुरपुरा, चंद्रायन गुट्टा, सेलेक्ट हुई चारमीनार करने की क्या वजह? नहीं साहब, मैंने हल्का ए चार मीनार मैंने सेलेक्ट नहीं किया, हल्का ए चार मीनार हमारी पार्टी ने सेलेक्ट किया और कहा कि भाई आप वहाँ से ही उम्मीदवार बने और वहाँ से ही लड़े। क्या आपको लगता है कि ये सच न्यूज जो चैनल है कम समय में इतना जल्दी सबके जबानों पे आया, क्या आम आदमी पार्टी भी इस तरह उभर के आएगी? जी साहब देखिए, जहाँ तक सवाल है सच न्यूज़ का, तो आप भी एक सहाफ़ी है हमारे साथ के, ये हम लोग साथ में काम करें, तो आपने हमारी मेहनत मशक्कत देखी, उसके बाद हमको ये मुकाम हासिल हुआ। अब रहा पार्टी का सवाल, आम आदमी पार्टी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आम आदमी पार्टी का नाम पहले से ही बहुत मशहूर है, जो काम हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने किया, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में आम आदमी पार्टी का नाम बहुत मशहूर और मारूफ नाम है। हमारी खुशनसीबी है जो आम आदमी पार्टी ने हमें मौका दिया, क्योंकि हम तो नाचीज है। अब देखना है, हम तो कोशिश ये करेंगे जो भरोसा आम आदमी पार्टी हम पे कर रही है, हम उनके भरोसे को निभा पाएं और पार्टी का साथ दें और साथ ही साथ आवाम का भी साथ दें। यहाँ तक कि मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर शरफुद्दीन से बेहतर कोई दूसरा कैंडिडेट मिलता है पार्टी को, तो मैं आज भी तैयार हूँ दूसरे कैंडिडेट को अपने हाथों से टिकट देने के लिए, क्योंकि अपने मफाद की खातिर नहीं, मैं आने वाले नस्लों की बेहतरी सोच रहा हूँ, आने वाले बच्चों की भलाई सोच रहा हूँ। मेरे खड़ने से ना खड़ने से, पार्टी टिकट देने से या ना देने से ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चे दिल से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे बेहतर कोई और भी इंसान है तो वो भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, मुझसे रابطہ पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि एमएलए पॉलिटिक्स में आने के पैसे कमाने आते हैं, बोलते हैं, क्या आप भी इस पैसे कमाने के लिए आए? साहब पैसे कमाने के कई तरीके हैं, खैर सियासत को तो ये नाम मिल चुका है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के सियासतदान गरीब नहीं है, कितने मालदार है वो आपको ही मालूम है, और बच्चे बड़े बूढ़े सभी की दिल दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि सियासत में लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए। सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल साहब की, उनकी काबिलियत के बारे में शायद आपको मालूम ही होगा, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में शायद आपको मालूम ही होगा। भाई अब उनको क्या ज़रूरत थी पार्टी में आने की, पार्टी बनाने की? उनकी सोच यही काम कर गई कि भाई हिंदुस्तान में लुटेरे लूट कर अपना खजाना भर रहे हैं और ये गरीबों की दौलत ले जाकर अमेरिका और यूरोप में खर्च कर रहे हैं, वो रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने ये पार्टी बनाई और आवाम को सहूलतें पहुँचाने का काम किया। हर पार्टी से हमारी पार्टी को कंपेयर कीजिए, आम आदमी पार्टी में ना अब तक कोई करप्शन है और ना ही अब तक कोई घोटाला। अब हर पार्टी की आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कितने घोटाले हैं, कितने करप्शन के केसेस हैं, और आज भी हमारे अरविंद केजरीवाल साहब 6 रुपए वाला रेनॉल्ट पेन यूज़ करते हैं, आप शायद फ़ोटो में भी देखे होंगे या कई चीज़ों में उनकी सादगी देखे होंगे आप, कोसी चप्पल वो पहनते हैं, और उनके आंग पे आपने कपड़े भी देखे होंगे कि केजरीवाल साहब किस तरह के कपड़े पहनते हैं। जब हमारी पार्टी का सदर ही ऐसा हो तो उनके पार्टी के एमएलए कैसे हो सकते हैं, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये चारमीनार में नेक्स्ट पब्लिक मीटिंग कब है? इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी जैसा ये पार्टी का ऑर्डर आएगा तो इंशाल्लाह चारमीनार में एक पब्लिक मीटिंग होगी, उसमें बेहतर से बेहतर होगा। अदबन आवाम से गुजारिश करता हूं मैं कि जब भी आम आदमी पार्टी की मीटिंग होगी हल्के चार मीनार में,
जितने भी हमको चाहने वाले हैं, हमारी पार्टी को चाहने वाले हैं, उन सबसे अदबन गुजारिश है कि उस टाइम चार मीनार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और पार्टी की हिम्मत अफजाई करें। बीजेपी पार्टी जो है नोटबंदी करे, ये अकाउंट में 5-5 लाख रुपए आते बोले, सब झूठे साबित हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वाजिद साहब, 5 लाख नहीं, 15 से 20 लाख। फिर जब आप जैसे हम जैसे मीडिया वाले सवाल करने लगे तो वो बोलने लगे, भाई ये तो चुनावी मोहरा था, यानि इलेक्शन के अल्फाज थे। अब खुले खुले अल्फाजों में ये बताना चाहूँगा कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले ये अल्फाज थे, वो लोग खुद अपने मुंह से ये बात को जो है कह दिए। अब ऐसे झूठे खस्मे वादे तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सादगी है, सफाईत है, जो भी कहते हैं साफ साफ कहते हैं और जो भी कहते हैं सच्चे दिल से कहते हैं, जो हो सकता है वही कहते हैं और इंशाल्लाह वो हम करके भी दिखाएंगे। और जैसा कि आपने एक सवाल पूछा था कि भाई आम आदमी पार्टी में लोग, आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि सियासत में लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, तो मैं आज भी कहता हूं कि हमको इलेक्शन में खड़े रहने का, लड़ने का, अपने मफाद की खातिर ऐसा कुछ नहीं है। हमसे बेहतर कोई इंसान आ रहा है अगर पूछ रहा है तो मैं अपने हाथों से उनको टिकट देने लगाऊंगा। हमको पैसा कमाने की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, हम सहाफत लाइन के हैं और सहाफत यानि आवाम को सच्चाई दिखाना, आवाम के सामने हकीकत पेश करना, ये हमारा पेशा है। और हमारे पेशे में अल्हम्दुलिल्लाह आवाम हम पे एतबार करती है, उसी पेशे को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसे ही काम करेंगे सियासत में। और सबसे आखिर में मैं हमारे व्यूवर से अदबन ये गुजारिश करता हूँ, आपका अपना मोहम्मद शरफुद्दीन जो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा है, किसी का बेटा लगता हूँ तो किसी का भाई लगता हूँ, मेरे माँ बहन भाई सभी से अदबन ये गुजारिश है कि इस इलेक्शन में हमारा साथ दे और इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में आम आदमी को जिताएं। और मीडिया टाइम्स के जो भी व्यूवर्स हैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि हल्के चार मीनार से हम खड़े हैं इस बार, हमारी जीत के लिए दुआ फरमाइए, हमारी पार्टी के बेहतरी के लिए दुआ फरमाइए। शुक्रिया, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों प्लीज हमारे मीडिया टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बाजू वाले बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट रोजाना आने वाले न्यूज आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।